साक्षी कामयाबी ने तो हमारी बिल्कुल जिंदगी बदल दी। काफी बड़े बड़े आदमी है ना जो जो के हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ये जो कान टूटते नहीं, मेरे को बहुत गंदे लगते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हाँ हमारे रोहतक डीवी स्कूल में, तो स्कूल में कोई भी इवेंट था, मतलब जैसे उसमें खो खो हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, चाहे डांसिंग हो, हर एक उसमें भाग लेती थी हर एक गेम में। तो जैसे मैं पीटीएम पे जाती थी, सब टीचर की ये शिकायत रहती थी, बोले हर एक गेम में कहती मैं भी खेलूँ, मैं भी खेलूँ। तो इसको शुरू से गेम का तो मतलब था, लगाव सा कि कुछ मैं गेम करूँ। तो जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई, सेवन्थ क्लास में हुई, फिर एट्थ में हुई, फिर कहने लगी मम्मी मेरे को कोई गेम करवा कोई कि मैं गेम कर सकूँ। तो हमने मैंने इसको ये बोला था कि बेटे गेम करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर इसने कहा नहीं मम्मी पढ़ाई भी हो जाएगी, मैं गेम भी करूँगी साथ ही साथ। तो हमारे यहाँ छोटूराम स्टेडियम है इधर हमारे गौतम में, तो मैं वहाँ लेके गई उसको, वहाँ लेके गई। तो इसको यहाँ पे हमारा एथलेटिक्स भी ज़्यादा है मतलब, और यहाँ हमारे जुडो भी थी, और ये क्या बोलते हैं जिमनास्टिक भी थी। एक दो दिन इसने जिमनास्टिक भी की थी, और वहाँ रेसलिंग हॉल भी था। तो फिर सभी जगह हमने देखा, रेसलिंग हॉल में गए। तो इसको जब हम रेसलिंग हॉल में गए, तो इसको रेसलिंग हॉल में जाके जब वो कोस्टो वगैरह लड़कियाँ डाल रही थी, तो उसको वो ज़्यादा पसंद आया मेरे रेसलिंग। तो बोला था लोगों ने क्यों आप कुश्ती करवा रहे हो, क्यों इसमें दे रहे हो, तो लड़की है इसको मतलब आगे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो थोड़े से रेसलिंग अलग टाइप के हो जाते हैं थोड़े से। नहीं ऐसा मेरा तो कभी नहीं हुआ, पर जैसे पढ़ाई की जब डिस्टर्बेंस आती थी बीच में, इसको ट्यूशन में जाना पड़ता था, तब थोड़ा सही है भी टाइम नहीं दे पाती थी पढ़ाई पे। तब थोड़ा सा मैंने कहा बेटा पढ़ लो, फिर आपका गेम भी ना हो और फिर पढ़ाई भी ना हो। तो इसने कहा था नहीं मम्मी दोनों चीज़ें मैं साथ साथ रखूँगी, पूरा ध्यान रखूँगी। तो इसके साथ रह के मैंने इसके ट्यूशन का भी ध्यान रखा, इसके स्कूल का भी ध्यान रखा, और इसके गेम की तरफ भी थोड़ा सा साथ लगना पड़ा, ताकि हर एक चीज़ इसको जैसे किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, जैसे इसकी पढ़ाई में हो, इसकी बुक से ला के देना, इसका टाइम बेटा पढ़ लो, आपका गेम का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, थोड़ा इसके साथ लगना पड़ा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है इसके साथ। घर वाले तो सब को पसंद था कि चलो गेम कर रही है, तो पर थोड़ा ये था हमारे दिमाग में उस टाइम पर, भाई गेम कर रही है, कहीं गेम भी ना हो और पढ़ाई भी ना हो, दोनों में पीछे ना रह जाए, थोड़ा ये तो दिमाग में चलता था। पर ये जो प्रैक्टिस करती थी वो इसको इतना लगन थी, मतलब बहुत ही अपना मतलब ये रखते थे मेरे को प्रैक्टिस करनी है करनी है, तो उसको देखते हुए शायद मैं कहीं ये प्रैक्टिस करेगी और कुछ करके दिखाएगी। अब तो सब बहुत खुश है मेरे लाया, हमने देखा लोगों को जो लोग ये कहते थे अभी रेसलिंग में डाला कि वो लड़की का तुम फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, क्यों इसकी शरीर को ख़राब कर रहे हो, वो इतने खुश हैं सब, और बहुत ही खुश है सब ने बड़े मतलब ये रहा कि एक लड़की है उसने रेसलिंग में मेडल लिया, तो सभी खुश हुए। साक्षी कामयाबी ने तो हमारी बिल्कुल ही ज़िंदगी बदल दी। तब तो मेरे को ये कहते थे कि भी सुदेश जा रही है तो करे साक्षी की मम्मी जा रही है, बिल्कुल मेरी तो पहचान ही चेंज होगी। कहीं भी जाते हैं अभी, जैसे मैं कहीं भी गई हूँ, अभी मैं पीछे अमृतसर गई, तो अमृतसर गई मैं एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गोल्डन टेम्पल में, तो कहने लगे आपको ना मैंने कहीं देख रखा है, तो मैंने कहाँ देखा, मैं समझ जाती हूँ इन लोगों ने मेरे को टीवी पर देखा है लेकिन ये बता नहीं पा रही, या अखबार में देखा बता नहीं पा रही कहाँ देखा, आपने हमें कहीं देख आपको हमें कहीं देखा कहाँ देखा, कहीं देख रखा, मैं कहा बताओ कहाँ देख रखा, कहते हैं मैं टीवी में देखा हुआ अखबार में, हाँ आपको देख रखा है टीवी में बहुत बार देख रखा है। हाँ लड़कियों को देखकर बहुत ही मतलब सब ने अपनी लड़कियों को मतलब आगे लाने की सोची है, ताकि साक्षी जब रेसलिंग में मेडल ले सकती है, क्या हम भी अपनी लड़कियों को आगे लेके आए। और जब जिस टाइम पर साक्षी प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पर मैं साक्षी के साथ जाती थी, सुबह भी शाम को भी प्रैक्टिस के टाइम भी, बाहर भी कहीं उसको लेके जाना होता तो मैं साथ लेके जाती थी, उसका कुछ भेजना तो मैं साथ लेके जाती थी। तो उस टाइम पर इतने ज़्यादा पेरेंट्स नहीं मतलब बच्चों के साथ जाते थे, मैं ही थी जो उसके साथ साथ घूमती रहती थी। अब आजकल ये ऐसा कोई पता चला कि साक्षी की मम्मी साक्षी के साथ रहती थी, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, सुबह उनको प्रैक्टिस पे लेके आने हैं, छोड़ के आना स्कूल का काम, ये मतलब मैं देख रही हूँ, मैं स्टेडियम में गई थी, मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हॉल में लड़कियाँ अपनी प्रैक्टिस कर रही और पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी चेंज आया है। कई बार है जैसे बाउट लूज वगैरह हो जाती है और हार जाते हैं बच्चे, तो कोई बात नहीं
वो कहते गिर के उठता आदमी, तो ये तो बेटा चलता ही रहता है, अपनी मेहनत करो और अपने जो तेरा अपना है कि इस रेसलिंग की तरफ जो तेरा लगाव है, जो तेरा डेडिकेशन है, अपनी स्किल्स की तरफ रख, तो ठीक हो जाती थी। एक दो दिन तो बच्चे का मन रहता था कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हार जाती है, पर कोई बात नहीं, जो गिरता वही उठता है, जो गिरता ही नहीं तो उठेगा कैसे। तो ओलंपिक में जब वो गई तो हमें उम्मीद थी, हमने उसको ये बोला था और उसके कोचेज भी ये बोलते थे कि आप मैट पे अपने जो 6 मिनट है ना, 3 मिनट का एक राउंड और 3 मिनट का सेकंड राउंड, तो अपना वो 6 मिनट मैट पे डटे रहना है और बिल्कुल दिमाग को शांत करके उस पर बिल्कुल फोकस डाल के मैट पे डटे रहना, तेरी अपने आप जीत हो जाएगी। बस ये मत सोच के सर ना मैंने जीतना है, मैट पे डटे रहना और अपना जितनी प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस वहाँ पे दिखाओ तो पक्का जीत होएगी। हो गया भी वो पहले बाउट 3 मिनट में हारी है, अगली 3 मिनट में वो जीतती है, तो ऐसा ही रहा, उसने अपने हार नहीं मानी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, उसने बल्कि वो पढ़ाई में वो था ना, उसके जो मार्क्स कमाते थे, और तो मैंने कहा बेटा आपको तो ये रेसलिंग छोड़नी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो उसने कहा मैं रेसलिंग नहीं छोड़ूंगी और पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगी, आप कह रहे हो तो उसकी तरफ भी ध्यान दूंगी लेकिन रेसलिंग बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और उसने पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया, उसने MPED BPED करी है, और 70 मार्क्स लिए हमेशा, और अच्छी अच्छी किया उसने भी, और हमेशा अव्वल रही उनमें भी। ये भी नहीं है कोई पीछे रही पढ़ाई में, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई थी लेकिन बाद में तो दिक्कत नहीं आई। बाद में एग्जाम वगैरह होते थे, मैं उसके साथ रहती थी, कौन से टाइम पर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट का उसका पेपर, तो ध्यान रखते हुए उसको दिलवा देते थे, वहाँ भी उसने अपना पूरा किया। बचपन में तो बहुत चुलबुली थी और बहुत ही चुलबुली थी और बहुत ही ज़्यादा शरारती थी, और शिकायतें भी स्कूल में बहुत ज़्यादा आती थी। हाँ कि बहुत, मैं पेरेंट्स डे पे जाती थी कि बहुत वो है, चुलबुली है, बच्चों को मारती है मारती, लेकिन अब बिल्कुल उसका विपरीत हो गया, बिल्कुल शांत स्वभाव के, वो कम ही बोलती है, बहुत कम बोलती है, बिल्कुल शांत माइंड के, उसको एकांत पसंद है, अकेला रहना। और मैंने ओलंपिक में ब्राउन्स लिया तो पूरी कोशिश करूँगी मैं ब्राउन्स का रंग चेंज करूँ इस मेडल का, तो करी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, अपना पूरा ध्यान अभी रेसलिंग पे डालूंगी, तो बातें तो ये करते रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग थे, मेरे काफ़ी रिलेटिव आए हुए थे यहाँ पे, देखा होगा, और काफ़ी मीडिया आई हुई थी, और मीडिया तो हमारी दिन में ही आ गई थी जब से मैच स्टार्ट हुए, लेकिन उसकी जो एक बाउट लूज हो गई थी तब मीडिया चली गई थी, तो फिर उस सबको ये था, बहुत लोगों को ये भी था कि वह बाउट नहीं होगी, अब तो साक्षी हार गई, लेकिन हमें पता था कि आगे बाउट होने वाली है। बहुत से लोग हैं सो गए जिन्होंने फ़ोन करके पूछा, वो जगते रहे, बहुत तो बाउट देखे और जिनको भाई क्या हुआ लूज हो, मैं कहा लूज नहीं हुई, वो हुई, फिर मीडिया को भी पता चल गया, आप लोग मतलब जैसे सबको तो इतनी नॉलेज नहीं होती, वो भी फिर वापस आ गए, फिर तो पूरा ये सोचो पता नहीं गली में ही मीडिया बैठी थी क्या, अभी जैसे मेडल आया पूरा घर ही भर गया, यहाँ पे बिल्कुल जगह ही नहीं थी। हाँ ये तो था जीतेगी, क्योंकि उसने पिछले जितनी बाउट की वो उसने ऐसी की थी कि पहले 3 मिनट में वो आ रही है, अगले उसमें अब भी ऐसे ही करेगी, और वो होया भी ऐसे ही, क्योंकि लास्ट 9 सेकंड ही बची हुई थी, 5.51 मिनट हो गई थी, 9 सेकंड बची हुई थी, तो उस 9 सेकंड में उसने अपना ऐसा दिखाया कि वो बिल्कुल ही पलट दिया उसने वहाँ पे सब कुछ। और जब बाउट भी होती है ना लास्ट होती है कि बाउट चल रही है टीवी पर हम देख रहे हैं, तब तो मेरे को मतलब एक होता कोई दिखाई भी नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या देख रही हूँ, जब ये होता ना जीत गई जब मेरे एक दिमाग खुलती है कि जीत गई, बस आँख खुली रह जाती है। वो भी उस दिन भी मेरा ये हाल था, पता नहीं वो कब बाउट खत्म होगी कब क्या होगा, तो लास्ट में मैंने अच्छे से देखा, उस टाइम तो पता नहीं दिमाग कहाँ और ही कहीं चला होता है। हाँ टीवी की तरफ जरूर देखती हूँ लेकिन दिमाग ऐसे और कहीं चला होता है। वो बहुत ही खुश होते हैं और वो बल्कि ये कहते हैं कि भाई आप धन्य हो, एक ऐसी माँ हो जो आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया कि हम तो सबसे पहले आपकी पूजा करेंगे, मतलब लोग इतने गर्व फील करते हैं अपने आप को इस मेडल से, कि पता नहीं साक्षी ने हमारे को क्या दे दिया, इतना गर्व फील करते हो, कहते हैं कि साक्षी से पहले एक आप माँ हो जिसने आप उस जननी ने उस जन्म दिया, हम उस माँ को ही मतलब प्रणाम करते हैं। वो मेरे को खुद इतना वो फील होता, कई बड़े बड़े आदमी है ना यू आप जोड़ के हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं कि जो आपने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया, तो मेरे को बड़ा ये लगता है, मैं कहते इतने बड़े बड़े आदमी हैं और मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो